नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैंने आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल डिलीशियस फूड रेसिपीज के किचन में। दोस्तों, मैं आज आप सबके लिए एक मीठे की रेसिपी लेकर आई हूँ और आज की मेरी रेसिपी का नाम है शाही टुकड़ा, जो कि ब्रेड से मैं बनाने वाली हूँ। शाही टुकड़ा को हम साथ में डबल का मीठा भी कहते हैं। इसे डबल का मीठा इसलिए कहते हैं कि ब्रेड के स्लाइसेस को दो बार शुगर में यानी कि स्वीट्स में डिप किया जाता है, पहली बार शुगर सिरप में और दूसरी रबड़ी में। तो आज मैं आप सबको इंस्टेंट रबड़ी भी बनाना बताऊंगी। सो फ्रेंड्स, बेसिकली ये जो रेसिपी है ये हैदराबाद की है, हैदराबाद की ट्रेडिशनल रेसिपी है। सो फ्रेंड्स, चलिए इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो डबल का मीठा बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए, पहले हम वो देख लेते हैं। हमें चाहिए ब्रेड, यहाँ मैंने दो ब्रेड के स्लाइसेस लिए हैं। आधा कप हमें चाहिए पीसी हुई चीनी, यहाँ मैंने पीसी हुई चीनी का यूज किया है। आधा लीटर हमें चाहिए फुल क्रीम मिल्क, यहाँ मैंने फुल क्रीम मिल्क लिया हुआ है। आधा कप हमें चाहिए कंडेंस मिल्क, ये किसी भी ग्रोसरी शॉप में या फिर सुपरमार्केट में आसानी से अवेलेबल हो जाता है। आधी छोटी चम्मच हम लेंगे गुलाब जल, इससे रबड़ी का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तीन बड़े चम्मच हमें चाहिए शुद्ध देसी घी और आधी छोटी चम्मच हमें चाहिए क्रश की हुई कार्डमम यानी कि इलायची। कटे हुए ड्राई फ्रूट हमें चाहिए एक चौथाई कप, जो भी अवेलेबल। 10 से 12 सेफ्रॉन यानी कि केसर को यहाँ मैंने दूध में भिगो करके रखा हुआ है, आप इसकी जगह पर फूड कलर का भी यूज कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज की रेसिपी में मैं आप सबको इंस्टेंट रबड़ी बनाना बताऊंगी और साथ ही मैं इस रेसिपी से रिलेटेड कुछ टिप्स और ट्रिक्स भी बताऊंगी। सो मेरी रेसिपी को आप पूरे जरूर देखें। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी आज ये डबल का मीठा यानी कि शाही टुकड़े की रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। चलिए रेसिपी को आगे बढ़ाते हैं। शाही टुकड़ा बनाने के लिए सबसे पहले हम दूध को उबाल लेंगे, हमें रबड़ी बनानी है दूध से, तो हमें दूध को उबाल लेना है। तो दूध को हम उबाल लेते हैं। यहाँ मैंने गैस को ऑन कर लिया है और गैस को मैंने यहाँ फ्लेम को मैंने हाई हीट पर रखा हुआ है और दूध को उबालने के लिए रख दिया है। दूध में हमारा उबाल आ चुका है, फ्लेम को मीडियम पे कर देंगे, इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब हम इसमें ऐड कर देंगे ये कंडेंस मिल्क। अच्छे से मिक्स कर लेंगे, इसे हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है और अब हमें इसे गाढ़ा होने तक दूध को पका लेना है। और यहाँ पे हम इसे मीडियम हीट पे पकाएंगे, हम इसे मीडियम हीट पे पकाएंगे और जो साइड में जो क्रीम है उसे हम इसी में मिलाते रहेंगे ताकि दूध हमारा गाढ़ा हो जाए और रबड़ी हमारी जल्दी तैयार हो जाए। कंडेंस मिल्क डालने से ये फायदा होता है कि रबड़ी हमारी बहुत ही अच्छी बनती है और टेस्टी बनती है। और जब भी आप कंडेंस मिल्क ऐड करें तो आपको इसमें शुगर ऐड करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि कंडेंस मिल्क में ऑलरेडी शुगर रहता है, तो इसलिए मैं इसमें शुगर ऐड नहीं कर रही हूँ। अगर आपको बहुत ही मीठा ज्यादा पसंद हो तभी आप इसमें चीनी ऐड करें एक्स्ट्रा में। अब हमें इसे पका लेना है जब तक कि दूध हमारा गाढ़ा ना हो जाए। हम इसे मीडियम हीट पे पकाएंगे और बीच बीच में हम इसे चलाते भी रहेंगे ताकि ये तले में जाके सटे ना। आप देख सकते हैं यहाँ पे साइड से क्रीम निकल रहा है, वापस हम इसे इस तरह से इसमें मिक्स कर देंगे। तो दूध हमारा गाढ़ा होना स्टार्ट हो जाए तब तो उसमें हम ऐड करेंगे ये सेफ्रॉन मिल्क। साथ ही में ये ऐड करेंगे क्रश की हुई इलायची, मिक्स कर लेंगे अच्छे से। रबड़ी हमारी गाढ़ी हो चुकी है, अब हम इसमें ऐड कर देंगे ड्राई फ्रूट्स और थोड़े से ड्राई फ्रूट्स हम बचा कर रखेंगे, गार्निशिंग के टाइम यूज करेंगे। इसे भी मिक्स कर लेंगे अच्छे से। रबड़ी हमारी बनकर के तैयार हो चुकी है, आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर कितना अच्छा आया है और ये गाढ़ी भी हो गई है। हमें इसे इससे ज्यादा गाढ़ा नहीं करना है क्योंकि ठंडा होने के बाद ये ऑलरेडी और भी गाढ़ी हो जाती है, तो हमें इसे थोड़ा सा ढीला ही उतारना है। यहाँ पे आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं कितनी अच्छी है, ये ठंडा होने के बाद अभी और गाढ़ी हो जाएगी, तो हमें इसे ठंडा कर लेना है। गैस को बंद कर देंगे और ये हमारी रबड़ी तैयार हो गई। फर्स्ट स्टेप में थी हमारी रबड़ी बनाना, अब हम बनाएंगे शुगर सिरप। तो इसे हम साइड में रख देते हैं और इसे ठंडा होने देंगे थोड़ा। शुगर सिरप बनाने के लिए एक पैन लेंगे, पैन में हम ऐड करेंगे ये चीनी और साथ ही में ऐड करेंगे पानी। तो इस हमने यहाँ पे आधा कप शुगर लिया है, तो हम आधा कप इसमें पानी ऐड करेंगे। गैस को ऑन कर देंगे और हमें शुगर सिरप तैयार कर लेना है, तो शुगर सिरप को तैयार कर लेते हैं। शुगर को इसमें अच्छे से डिजोल्व हो जाने देंगे।
मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पे मैं इसे मीडियम हाई हीट पे पका रही हूँ। सुगर सिरप भी हमारा रेडी हो गया है, गैस को बंद कर देंगे। आप देख सकते हैं सुगर सिरप भी हमारा रेडी हो चुका है, आप देख सकते हैं। गैस को बंद कर देंगे और इसे भी हम ठंडा होने के लिए एक साइड में रख देंगे। हमारा दूसरा स्टेप था सुगर सिरप बनाना, अब तीसरे स्टेप पे हम चलेंगे। तीसरा स्टेप है हमारा ब्रेड को फ्राई करना। ब्रेड को फ्राई करने से पहले ब्रेड को हम अपना मनपसंद शेप देंगे, तो हम इसे कट कर लेते हैं। पहले हम इसके साइड्स को कट कर लेंगे। आप इसे डायरेक्ट भी फ्राई कर सकते हैं, बट यहाँ पर मैं इसे शेप दे रही हूँ इस तरह से तिकोना। इन सारे ब्रेड को अब हम फ्राई कर लेंगे, तो फ्राई कर लेते हैं घी में। इसके लिए हम पैन गरम करेंगे। तो फ्राई करने के लिए एक पैन को गरम करेंगे, पैन में घी गरम करेंगे हम, को ऑन कर देंगे। ऐड करेंगे ये घी, मेल्ट हो जाने देंगे अच्छे से। अब हम इसमें वन बाय वन करके ब्रेड को तल लेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक। हमें इसे रस की तरह एकदम फ्राई कर लेना है दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन। एक हमारा ये ब्रेड तैयार हो गया। इसी तरह से हम सारे ब्रेड को फ्राई करके निकाल लेंगे, आप देख सकते हैं। इसे भी हम इसी तरह से निकाल लेंगे। अब मैंने सारे ब्रेड को मीडियम हीट पे पका लिया है, देख सकते हैं। आप ब्रेड को जब भी तलें तो आप इसे शुद्ध घी में ही तलें, इससे इसका स्वाद बहुत ही बढ़कर के आता है। अगर आपको घी पसंद ना हो तो आप इसे कुकिंग ऑयल में भी तल सकते हैं, लेकिन मैं प्रेफर करूंगी कि आप इसे शुद्ध घी में ही तलें। ये हमारे सारे ब्रेड फ्राई हो चुके हैं, निकाल लेंगे, गैस को बंद कर देते हैं। और आइए अब हम डबल का मीठा का प्लेटिंग कर लेते हैं। गैस को बंद कर देंगे। रबड़ी हमारा थोड़ा सा ठंडा हो चुका है, अब हम इसमें आधा छोटा चम्मच जैसे गुलाब जल ऐड कर देंगे, मिक्स कर लेंगे, इससे इसका स्वाद बहुत ही बढ़कर के आता है। और आप देख सकते हैं रबड़ी हमारा कितना अच्छा बनकर के तैयार हुआ है। जैसा कि मैंने बताया था कि हम इसे थोड़ा सा ढीला उतारेंगे, क्योंकि ठंडा होने पर ये ऑलरेडी गाढ़ा हो जाता है। चलिए अब हम इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। हम इस प्लेट में सबसे पहले रबड़ी ऐड करेंगे इस तरह से। इसे जो सर्व करने का तरीका है मैं आप सबको बता रही हूँ। सबसे पहले हम रबड़ी को नीचे रखते हैं, इसके ऊपर अब हम सुगर सिरप में डिप करके रखेंगे ब्रेड को। ये हमारा सुगर सिरप है, इसमें हम इस तरह से डिप करेंगे इसे दोनों तरफ से। ब्रेड को सुगर सिरप में डिप करने के बाद सुगर सिरप को इस तरह से निकाल लेंगे जो एक्स्ट्रा हो, और अब हम इसे इसमें इस तरह से प्लेटिंग करेंगे। इसी तरह से बाकी सारे ब्रेड को हम सुगर सिरप में ऐड करेंगे इसमें, और उसके बाद हम रबड़ी में ऐड करेंगे। जैसा कि मैंने आप सबको बताया था कि डबल का मीठा हम इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि इसे हमें दो बार डिप करना पड़ता है स्वीट्स में। तो पहली बार ये सुगर सिरप में जाता है और दूसरा ये रबड़ी में ऐड होता है। अब हम इसके ऊपर थोड़ी सी रबड़ी ऐड करेंगे। अब इस तरह से इसके ऊपर हम थोड़े से रबड़ी ऐड कर देंगे, और थोड़ी सी हम इसमें ऐड करेंगे ड्राई फ्रूट्स इस तरह से। और लीजिए दोस्तों, हमारा ये सुपर टेस्टी डबल का मीठा शाही टुकड़ा बन करके तैयार है। तो दोस्तों लीजिए, हमारा ये शाही टुकड़ा तो बन करके तैयार है। अब मैं रेसिपी से रिलेटेड कुछ आपको टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगी। तो पहला ये है कि आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप ब्रेड को डिप करें, सुगर सिरप हो या फिर रबड़ी हो, तो आपका रबड़ी या फिर सुगर सिरप जो है वार्म होना चाहिए, ताकि ये अपने अंदर अच्छे से सुगर सिरप और रबड़ी को अपने अंदर अच्छे से ऑब्जर्व कर पाए। अगर आप फिटनेस फ्रीक हैं तो आप ब्रेड को डीप फ्राई करने के बदले आप इसे पैन में हल्का सा टोस्ट भी कर सकते हैं, हल्का सा घी लगाकर भी आप इसे फ्राई कर सकते हैं, या फिर आप इसे टोस्टर में डाल करके टोस्ट भी कर सकते हैं। आप इसमें ब्रेड की ब्रेड जो हमने घर में बनाया है इसकी जगह पे आप इसमें रस का भी, प्लेन रस का भी यूज कर सकते हैं। इसे और भी टेस्टी बनाने के लिए इस तरह से ड्राई फ्रूट डालकर सर्व करें, जिससे इसका स्वाद बहुत ही बढ़ करके आता है। और दोस्तों आप इसके ऊपर सिल्वर वर्क का भी यूज कर सकते हैं, ये खाने में सुपर टेस्टी है। आप इसके ऊपर ड्राई फ्रूट्स, सिल्वर वर्क या फिर टूटी फ्रूटी आपका मन पसंदीदा जो भी हो, आप इसके ऊपर इस तरह से ऐड करके और आप इसे सर्व कर सकते हैं। इससे ये बहुत ही डेकोरेटिव और अट्रैक्टिव लगता है। तो दोस्तों ये तो थी रेसिपी से रिलेटेड कुछ टिप्स और ट्रिक्स। आई होप फ्रेंड्स आपको आज की मेरी ये
डबल का मीठा रेसिपी अच्छी लगी होगी। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो के नीचे लाइक के बटन क्लिक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और रेसिपी पे ढेर सारे कमेंट करें। वीडियो से रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी आइडिया या सजेशन हो तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखें, मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। और आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। ये बहुत ही टेस्टी रेसिपी है, आप इसे घर पर एक बार जरूर ट्राई करें। आप इसे किसी भी अगर फेस्टिवल में बना करके खा सकते हैं। और अगर दोस्तों फैमिली अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो आप इसे फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। और अगर आप मेरे वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है। और सब्सक्राइब बटन क्लिक करने के साथ साथ आप बेल आइकन को भी क्लिक जरूर करें ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेट है वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए इस रेसिपी को एंजॉय करें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। बाय बाय।